हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा ऑटोकैड का सेकंड सेशन वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, ड्राफ्टिंग एंड पैरामेट्रिक क्या है। इसके अलावा हमने ऑटोकैड के मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कशन किया था। हर एक मॉड्यूल में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं वो भी डिस्कशन किया था। देन हमने ऑटोकैड का स्क्रीन इंट्रोडक्शन एंड लाइन टूल के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, अगर आपने हमारा फर्स्ट सेशन नहीं देखा तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। आज के सेशन में हम ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूँ झाला योगेश, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। यहां पे आप देख सकते हो कि कार्टेशियन एंड पोलर, ऑलरेडी आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम किया हुआ है। अगर हम टू डायमेंशनल में वर्क करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम टू एक्सिस का यूज करते हैं, एक्स एंड वाई। अगर हम थ्री डायमेंशनल में वर्क करते हैं तो हमारे पास तीन एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड। ओके, यहाँ पे हम 2D वर्क करते हैं तो ओनली हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस ही होगी। अगर आपके पास थ्री डायमेंशनल कोई वर्क है तो यहाँ पे आप एक्स वाई एंड जेड तीन एक्सिस पे काम कर सकते हैं। कार्टेशियन में हम यहाँ पे 2D में ऑलरेडी पॉइंट प्लेसिंग किए हुए, लाइक मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट प्लेस करना है 2, 3 तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा, एक्स आएगा एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वाई आएगा। तो आपको इस तरह के से पॉइंट फाइंड आउट करना है कि हमें एक्स में 2 डिटेक्ट करना है और वाई में 3, और यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है ये हमारा क्या है, 2, 3 का एड्रेस है। एज इट इज़ मुझे यहाँ पे -3 और 1 प्लेस करना है तो एक्स में मैं पहले क्या देखूँगा, -3, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा है कि हमारा प्लेसिंग का जो सिस्टम है यही रहने वाला है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एंड सेकंड वाई। तो -3, 1 मतलब एक्स में हमें -3 चेक करना है और वाई में 1, तो हमें जो पॉइंट मिलेगा ये वाला। एज इट इज़ मुझे यहाँ पे -1.5, -2.5 प्लेस करना है तो हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, ये आएगा। तो आपको ऑलवेज ये माइंड में रखना है कि फर्स्ट पॉइंट हमारा एक्स आएगा, सेकंड वाई। अगर 2D में है तो ये दो ही पॉइंट हमें रिक्वायर है। अगर आप 3D में वर्क करते हैं तो तीसरा पॉइंट भी ऐड हो जाएगा, जेड। ओके, सपोज मुझे यहाँ पे इस पॉइंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है, ये वाला, ये जो पॉइंट है इसका एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो इसका एड्रेस क्या आएगा, 3, 0, बिकॉज एक्स में 3 है और वाई में तो कोई इंक्रीमेंट है नहीं, तो हमारा इस वैल्यू क्या आएगी, 3, 0 आएगा। पहले मैंने पॉइंट कैसे प्लेस करने हैं वो दिखाया, बाद में पॉइंट को फाइंड आउट कैसे करते हैं। सपोज मैं कोई पॉइंट यहाँ पे सेट करता हूँ, मुझे इसका एड्रेस फाइंड करना है ये वाला, तो इसका पहले एक्स से हम डिटेक्ट करेंगे, हम एक्स में 2 है और वाई में क्या है, -2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2, -2। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन का जो यम ऑलवेज क्या होता है, 0, 0 ही होता है, वो फिक्स ही होता है। ओके, सपोज मुझे इस पॉइंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है ये वाला, तो इसका एड्रेस क्या आएगा, 0, 3, बिकॉज यहाँ पे हमारी एक्स याम 0 है और वाई याम क्या है, 3 है। ओके, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पॉइंट प्लेस करने हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट प्लेस किया 2, 3, सेकंड ए वाला प्लेस किया, थर्ड ए वाला प्लेस किया, लास्ट में आप इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हो इस तरीके से, तो आपको फील होगा कि कोई ड्राइंग क्रिएट हो रही है। देखो,
हमारी एक ड्राइंग क्रिएट हो गई। तो एक्चुअल में जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है इसी मेथड पे काम करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और उसकी फाइल जिस फॉर्मेट में सेव होती है उस फॉर्मेट को हम DWG फॉर्मेट बोलेंगे, DWG। अगर आपको कोई पूछे कि ऑटोकैड का एक्सटेंशन क्या है तो उसका एक्सटेंशन है .DWG। मैंने ऑलरेडी ये फर्स्ट सेशन में डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक्सटेंशन क्या होता है। तो आई होप आप सबको कार्टेशियन सिस्टम में कैसे वर्क होता है पता चल गया। वैसे ही जो सेकंड मेथड है पोलर जो हमारी मेथड है, कौन सी मेथड है? एंगल बेस मेथड है। मतलब जिस एंगल पे आपको जाना है उसके अकॉर्डिंग आपको एंगल डिटेक्ट कराना होगा। वो मेथड भी हम नेक्स्ट में देखने ही वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। तो मेनली बेसिकली हम इस दो मेथड का यूज करते हैं, कार्टेशियन एंड पोलर। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑटोकैड कौन कौन से मेथड पे वर्क करता है, ओके? तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम ये वाला शेप क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके डायमेंशन 100, 20, 80, 80, 20 और 100। ये हमारा एक एल सेक्शन है, मुझे इसे ऑटोकैड में ड्रॉ करना है विथ हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके? बट इससे पहले आपको लाइन टूल का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लाइन टूल से हम कैसे वर्क करते हैं? अभी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्हें लाइन टूल के बारे में नहीं पता तो हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसमें हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि लाइन टूल को आप किस तरीके ऑपरेट कर सकते हो और किस किस मेथड से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो इससे पहले आपको लाइन टूल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑटोकैड में मेनली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में चार मेथड डिस्क्राइब करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट मेथड है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड मेथड है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड मेथड है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड फोर्थ मेथड है डायरेक्ट डायरेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस चार मेथड से ऑटोकैड में कैसे वर्क करते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। बेसिकली जो हम मोस्टली यूज करने वाले हैं वो हमारी लास्ट वाली मेथड ही है, ये वाली डायरेक्ट सिस्टम, ओके? बट यहाँ पे हम रिलेटिव का भी यूज करने वाले हैं ऑटोकैड में, रिलेटिव का भी यूज होता है, एब्सोल्यूट, पोलर रिलेटिव, रिलेटिव और डायरेक्ट, ओके? तो इस चारों मेथड को हम इसलिए डिस्क्राइब करते हैं कि अगर कोई इंटरव्यू बेस आप जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोकैड मेनली कौन सी चार मेथड पे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट मेथड एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हमारी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ओरिजिन बेस मेथड है। ओरिजिन मतलब उसका स्टार्टअप ऑलवेज 0.0 से ही होगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0.0। आप ऑटोकैड में जब भी इस मेथड से वर्क करें तो फर्स्ट आपको यहाँ पे एल एंटर, एल देन आपको क्या प्रेस करना है? एंटर की, यहाँ पे आपको प्रेस करना है एंटर की, ओके? देन इसका स्टार्टअप ऑलवेज 0.0 से होगा। कहाँ से होगा? 0.0 मतलब उसके ओरिजिन से। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि 0.0 मतलब ऑटोकैड में आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, 0.0 मतलब ये वाला पॉइंट ओरिजिन। अगर आपको स्टार्टअप में प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंडिंग में तो आप एज्यूम कर सकते हो जो हमारा एल सेक्शन है एग्जैक्टली ओरिजिन पे प्लेस है। एज्यूम कर सकते हो तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो कि हमारी एक्स पॉजिटिव एक्सिस है, मतलब ये एक्स पॉजिटिव, ओके? एज इट इज यहाँ पे अप डायरेक्शन में आप जाओगे, जस्ट वेट, यहाँ पे आप अप डायरेक्शन में जाओगे तो
तो ये जो हमारी एक्सिस है वाई पॉजिटिव, हमने क्या किया एग्जैक्टली कार्टेशियन सिस्टम को यहाँ प्लेस कर दिया, और ये वाली जो हमारी एक्सिस है, जस्ट वेट, ये वाली हमारी एक्सिस हमें एज्यूम करते हैं एक्स नेगेटिव, एंड ये वाली जो हमारी एक्सिस है वाई नेगेटिव, ओके। और यहाँ पे हम एक्सिस के नाम भी लिख लेते हैं एक्स पॉजिटिव एज इट इज एक्स नेगेटिव, देन वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो हम स्टार्टअप कैसे करेंगे, एल एंटर 0,0। यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि सपोज मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है तो पहले हमें एक्स एम देखना है, सेकंड हमें वाई एक्सिस देखनी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2,3। सपोज मुझे ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है तो इसका पॉइंट क्या आएगा 3,0, क्या आएगा 3,0, इस तरीके से। तो वैसे ही आप एज्यूम कर सकते हो कि 1, 2, 3 ऐसे यहाँ तक जो वैल्यू आएगी 100 आएगी, ओके। तो हमारा जो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा कितना आएगा 100,0, बिकॉज इस तरीके से हम चेक करें तो ये वैल्यू क्या आएगी 100,0। तो सेकंड वैल्यू हमें यहाँ पे टाइप करनी है 100,0, तो हमें ऑटोकैड में ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। पहले मैं यहाँ पे पॉइंट दिखाता हूँ, बाद में हम वो ऑटोकैड में ड्रॉ करते हैं। यहाँ से मैं वाई में 20 अप जाता हूँ, ओके। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप राइट डायरेक्शन में जाओ तो वैल्यू ऐड होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हो तो वैल्यू नेगेटिव होगी, सबट्रैक होगी। वैसे ही अप डायरेक्शन में ऐड होगी, डाउन डायरेक्शन में सबट्रैक होगी, ओके। तो यहाँ से मैं अप में जाता हूँ, हमारी वर्टिकल एक्सिस है। सेकंड थिंग आपको ये फोकस रखनी है कि जब भी आप हॉरिजेंटल में कोई मोमेंट देते हो इस तरीके से तो ऑलवेज एक्स में चेंजेस होगा, वर्टिकल में कोई मोमेंट देते हो तो वाई में चेंजेस होगा, और आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल मतलब इंक्लाइन में कोई मोमेंट देते हो तो एक्स एंड वाई दोनों में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए तो मुझे वर्टिकल में जाना है, कितना 20, तो हमारा एक्स तो 100 है ही, उसके अलावा 20 ऐड होगा किस डायरेक्शन में, वाई में। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा 100,20, जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करने हैं। यहाँ से मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, कितना 80, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, मैंने आपको बताया कि लेफ्ट में जाओगे तो वैल्यू सबट्रैक होगी, ऑलरेडी हमारे पास एक्स में 100 है और 80 नेगेटिव जाएगा तो कितना बचेगा 20, तो ये पॉइंट हमें क्या दिखाएगा 20, तो हमारा एक्स में भी 20 होगा ये वाला भी और वाई में भी 20 होगा, दोनों वैल्यू हमें 20-20 मिल जाएगी, 20,20, ओके। तो हमें 100 में से 80 हमें हमने क्या किया सबट्रैक किया, तो नेक्स्ट वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 20,20, ओके। देन यहाँ से मुझे इस पॉइंट पे जाना है तो वर्टिकल मतलब वाई में कितना ऐड करना है 80, तो एक्स तो हमारा 20 है ही है और वाई में भी 20 था, 20 में 80 ऐड करने हैं तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी 20,100, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 20,100, ओके। देन यहाँ से मैं लेफ्ट में जाता हूँ, कितना 20, हॉरिजेंटल में मूवमेंट होगी तो एक्स में नेगेटिव होगा तो ऑलरेडी पॉजिटिव 20 है और 20 सबट्रैक हो गए तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा एक्स। आपको पता है कि वाई एक्सिस पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स एक्सिस पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, तो इसमें तो एक्स हमारा 0 ही आएगा, वाई कितना आएगा 100, तो यहाँ पे हम 0,100 टाइप करेंगे, ओके। देन यहाँ से मुझे ओरिजिन पे बैक आना है तो 100 डाउन जाना है, तो 100 नेगेटिव हो गया ऑलरेडी, वाई में हमारे 100 है
100 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो 0, 0। तो ये मेथड है हमारी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम इसका यूज़ ऑटोकैड में करते हैं। आई होप आप सबको पता चल गया है कि कैसे मैंने पॉइंट प्लेस किए। आपको एज्यूम ही करना है कि सेम हमारी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे है, ये वाली, मैंने वैसे ही ये एल सेक्शन यहाँ पे प्लेस कर दिया। आप एज्यूम कर सकते हो कि एल सेक्शन हमारा यहाँ पे ही प्लेस है, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पॉइंट प्लेस किया। हर एक पॉइंट को आपको उसके कोऑर्डिनेट थ्रू फाइंड करना। मैं रैंडम यहाँ पे शेप ड्रॉ करता हूँ। इस तरीके से हमने इस एल सेक्शन को यहाँ पे एज्यूम किया। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट हमारा 0, 0 ये वाला। ओके, सेकंड हमें मिल जाएगा 100, 0। 20 अप गए तो 100, 20। देन 80 नेगेटिव हुआ तो 20, 20। देन 20, 100। 20 में हमने 80 ऐड किए तो 20, 100। 0, 100 -20 हुआ एक्स नेगेटिव में, और यहाँ पे अगेन बैक आएंगे तो 0, 0 हमारा ओरिजिन बैक आ जाएगा। ओके, तो इसका यूज़ हम ऑटोकैड में करते हैं। तो ऑटोकैड में स्टार्टअप करने के लिए मैंने बोला कि स्टार्टअप कैसे होगा, एल एंटर, और इसका स्टार्टअप 0, 0 से होगा, 0, 0। तो इसका पॉइंट आप देख सकते हो कि ओरिजिन पे आ जाएगा इस तरीके से। ओके, हमारी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके ओरिजिन पे आ जाएगा। मुझे एक्स में कितना जाना है, 100। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स में कितना जाना है, 100। वाई में नहीं जाना था, -0। देख सकते हो कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब डायरेक्शन में 20 जाना है तो 100 तो है ही है, हमें ओरिजिन से ही सारे डिस्टेंस काउंट करने हैं। तो 100, 20 एज इट इज लेफ्ट में हमने 80 सबट्रैक कर दी 100 में से, तो कितना बचेगा एक्स में, 100 - 80 इज इक्वल टू 20। ऑलरेडी वाई में 20 है तो 20, 20 एज इट इज मुझे अप डायरेक्शन में कितना जाना है, 80 जाना है, ऑलरेडी 20 है तो 20, y में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एज इट इज x में मुझे 20 जाना है, नेगेटिव होगा तो क्या आएगा, 0, y तो हमारा 100 ही रहेगा, और बैक उसी पॉइंट में आना है तो 0, 0। अदरवाइज मैंने सेकंड ऑप्शन लाइन टूल में दिखाया था कि किसी भी लाइन को जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे क्लोज करने के लिए ब्रैकेट में क्लोज कमांड दिया हुआ है, मतलब सी एंटर, मतलब हमारा कमांड क्लोज हो जाएगा। देखो, तो हमारी फर्स्ट मेथड है एब्सोल्यूट मेथड। तो इसका स्टार्टअप ऑलवेज ओरिजिन से ही होगा, एल एंटर 0, 0 से ही स्टार्टअप होगा।